ये देखिए मेरा मकान यही है। फाइनली हम लोग अपने मकान के सामने खड़े हैं। ये शटर लगा हुआ है और बगल में एक गेट है। और ये यहाँ पर स्कूल मेरा चल रहा था, अभी भी चल रहा है, इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। और ये हम लोग इधर से आए, हरिनगर चौराहा ये है, तो ये सीधी रोड गई है। इधर से LDA कॉलोनी है, सामने LDA कॉलोनी बहुत बड़ी हो रही है, डेवलप कर रही है। चलिए मकान के अंदर चलते हैं। ये देखिए ये G+2 बना है, ये शटर है और ये गेट है। अब मैं गेट का दरवाज़ा खोल के अंदर ले जाता हूँ। अब ये गेट का दरवाज़ा खोल के हम लोग अंदर आ गए। ये मेरा गैरेज है, गैरेज है। और ये जो दुकान का अंदर का हिस्सा है, ये है, ये शटर लगा हुआ है। यहाँ पर ऑफिस है मेरा, हम लोग का ऑफिस है यहाँ पर। और इसको मैंने गैरेज और ये ऑफिस को तोड़कर एक साथ कर दिया है। ये थे, यहाँ स्कूल चल रहा था, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है, ये शटर है अंदर का हिस्सा। अब ये और ये स्टेयर है ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए। अब मैं अंदर चल रहा हूँ अंदर। ये हॉल है, बहुत बड़ा सा हॉल है, इसको देखिए आप, ये बहुत बड़ा सा हॉल है, क्योंकि बच्चों का स्कूल चलता है इसमें। ये हॉल है और हॉल से टच ये किचन है, ये किचन है, अच्छा खासा किचन है, स्पेशियस से किचन। अब किचन से बढ़कर चलते, ये हॉल से अटैच एक रूम है, ये भी एक अच्छा खासा बड़ा रूम है। ये रूम और आ गया हॉल से अटैच। और यहीं पर ये टॉयलेट है, ये अभी स्टोर बना हुआ है, टॉयलेट है, कोई यूज़ नहीं करता, वेस्टर्न टॉयलेट। अब इससे अटैच एक इसके अंदर एक दूसरा रूम है, ये बड़ा, ये भी बड़ा सा रूम है। और इसके बाद ये गैलरी है, एक पीछे भी मैदान है, रास्ता है, मेरा दरवाज़ा लगा है अभी तक तो रास्ता है, आगे भविष्य में क्या हो कुछ पता नहीं। इस गैलरी से एक दूसरा बाथरूम है, की हुई इंडियन स्टाइल का बाथरूम है ये। अब वापस चलते हैं रूम से, एक रूम, दूसरा रूम और ये हॉल और ये स्टेयर है ऊपर जाने के। अब ये देखिए, ये नीचे से हम लोग ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं स्टेयर से। ये स्टेयर देखिए, ये ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर आए हैं हम लोग, ये ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड पर बालकनी हमारी है, ये बालकनी में मैंने पार्टीशन करवा दिया है। ये बाहर देखिए, सामने चौराहा दिख रहा है और इधर LDA कॉलोनी आ गई। बसंत कुंज योजना शुरू हुई है, LDA कॉलोनी की नई बन गई है, वो इसी तरफ है। ये बालकनी से अटैच एक टॉयलेट है, ये वॉश बेसिन है, ये इंडियन टॉयलेट है। इस फ्लोर पर तीन टॉयलेट है, ये फर्स्ट टॉयलेट है बालकनी से। अब ये एक हॉल है बहुत बड़ा सा, एक ये ऊपर पोर्शन जाने के लिए सेकंड फ्लोर के लिए है स्टेयर, ये बहुत बड़ा सा हॉल है। ये है किचन, मॉड्यूलर किचन है ये। ये हॉल है, अब इस हॉल से अटैच एक रूम है,
रूम से अटैच है दूसरा टॉयलेट, वेस्टर्न स्टाइल में गंदा हो गया, यूज नहीं हो रहा है, बंद है घर। अब इस रूम से बाहर जा रहे हैं, ये हॉल में आ गए, फिर हॉल से ही बालकनी, एक गैलरी है, बालकनी भी गैलरी है इस रूम में जाने के लिए। आखिर वाला रूम है, ये भी बड़ा रूम है। इस रूम के पीछे ये गैलरी है, ये पीछे मैदान पड़ा हुआ है, और ये तीसरा टॉयलेट है इंडियन स्टाइल में। तीन टॉयलेट हैं इस सेकंड फ्लोर पे। मैं वापस फिर आ रहा हूँ इस रूम से। गैलरी में आ गया, और ये ऊपर जाने के लिए सेकंड फ्लोर पर स्टेयर। अब यहाँ से हम सेकंड फ्लोर की स्टेयर पर चल रहे हैं। ये देखिए सेकंड फ्लोर, यहाँ थोड़ा ही कंस्ट्रक्शन है, पूरा नहीं है, करीब 500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है। हॉल है बहुत बड़ा सा, भी गंदा पड़ा हुआ, यूज़ नहीं होता है। और ये ऊपर से नीचे का व्यू है, फर्स्ट फ्लोर। ये हमारी छत आ गई, और ये ऊपर ऊपर भी एक और छत है जो 500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है। इसके ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी दे दी मैंने, ऊपर पानी की टंकी ले ली। टोटल 20 फीट बाई 60 फीट में बना हुआ है मकान, 1200 स्क्वायर फीट का मकान है।